दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, इसका नाम है नवनीत जेएमएच। और बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, इस न्यूज वीडियो में हम दिन भर की जो खबरें आपको आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई होती है वो देते हैं। आपको बता दें इस ब्रेकिंग न्यूज में क्या क्या मिलने वाला है, पहले तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आंगनबाड़ी बहनों की जो खबरें हैं आपको मिलेंगी, आंगनबाड़ी कर्मियों की रिटायरमेंट से जुड़ी हुई खबरें, साथ ही हम देंगे 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस मिला है, पोषाहार वितरण में गड़बड़ी पर आंगनबाड़ियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। इसी के साथ ही आपको बताएंगे गर्भवती महिलाओं को विशेष पोषण थाली के तहत उनको लाभ दिया जाएगा। आपको बताएंगे लॉकडाउन लॉक ना कर सका पुष्टाहार। आपको ये भी बताएंगे कि किचन गार्डन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ ही आपको बताएंगे कोरोना से आंगनबाड़ी की मौत पर क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में। आपको ये भी बताएंगे कि इसी के साथ ही जिले भर में फर्जी दस्तावेज की जांच होगी, किस जिले में होगी ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ ही आपको बताएंगे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की खबर आ रही है, कहां से आ रही है, किस राज्य से है, आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बड़ा बयान जो बाल विकास मंत्री का आया, इसी के साथ ही आपको बताएंगे आंगनबाड़ी कर्मी का जो बहुत ही अहम काम किया गया है, अहम रोल उन्होंने अदा किया है उसको बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। दरअसल आपको बता दें पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ बलदेवगढ़ जिले से आ रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जहां आंगनबाड़ी कर्मियों का रिटायरमेंट सरकार कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कर्मियों का रिटायरमेंट हो रहा है। हैरत अंगेज बात यह है कि वहां पर भी आंगनबाड़ियों की दशा उत्तर प्रदेश जैसी ही है। आपको बता दें कि खबर पूरी देखा करें आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, दिन भर की खबरें जो होती हैं, आपको एक भी ऐसी खबर नहीं जो इस वीडियो में नहीं मिलेगी। सभी खबरें आपकी इंपॉर्टेंट होगी, सब कुछ मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, प्यार भरा लाइक करना मत भूलिएगा। हर एक खबर से अपडेट हम आपको रखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से देखिए बड़ी खबर है, टीकमगढ़ जिले से खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर परियोजना अधिकारी का जो पत्र है हमें दिखाई दे रहा है, इसमें श्रीमती चंद्रलता सक्सेना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र मलगुआ आ की कार्यालय अभिलेख अनुसार इनकी जन्मतिथि है 58 यानी 1958 होने के फलस्वरूप 62 वर्ष की अधिक जो आयु होती है इसको पूरा कर चुकी है और इनको रिटायरमेंट किया जा रहा है। यानी कि यह आदेश 7 जुलाई 2020 से लागू होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर किया जा रहा है। और गौर करने वाली यहाँ पर बात यह भी निकल कर आ रही है कि वहाँ पर भी जिस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों का रिटायरमेंट हो रहा है वहाँ पर भी सरकार कुछ नहीं दे रही है, यानी कि ऐसे ही रिटायरमेंट कर रही। बहुत ही दुख की बात है, आंगनबाड़ी बहनों के साथ न्याय कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आ रही है। आपको बता दें 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है। पहले मामला जान लेते हैं आखिरकार कौन सा मामला है, आंगनबाड़ी कर्मियों को नोटिस क्यों दिया गया है। आंगनबाड़ी विभाग में 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की सेवा समाप्त की जाएगी, इनकी जगह दूसरी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की नियुक्ति किए जाने की उम्मीद है और इस संबंध में शासनादेश जारी किया जा चुका है। विभाग ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को नोटिस भेज दिए हैं। महिला एवं नौनिहालों में कुपोषण को खत्म करने के लिए 1975 में बाल विकास योजना शुरू की गई थी। विभाग में आंगनबाड़ियों को नियुक्ति तो कर दिया गया लेकिन इनकी सेवानिवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया और बहुत सारी ऐसी आंगनबाड़ी कर्मी है जो बहुत ही उम्रदराज हैं और काम कर रहे हैं। सरकार ने बड़ा फैसला लिया जिसके बाद यहाँ पर जो जिला है 3236 आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर संचालित हो रहे हैं और इनमें से करीब 2900 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इतनी ही सहायिका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हर महीने 5000 यहाँ पर लिखा है लेकिन 5500 रुपये मानदेय मिलता है। विभाग द्वारा 62 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुकी है उन महिलाओं को चिन्हित कर लिया गया है। 100 महिलाएं बताई जा रही हैं, इनको नोटिस भेजा गया है यानी कि सूचना दी गई है। जब ये सूचना आई तो शासनादेश के नियम का पालन कराए जाने की बात तो आंगनबाड़ियों में आक्रोश देखने को मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने बिना पेंशन फंड के सेवानिवृत्त करने पर रोष जताया है और आक्रोश प्रकट किया है जिसको लेकर जीवन चलाने में संकट पैदा हो जाएगा निश्चित तौर पर। और आपको इसी को लेकर संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश में है जो 7 तारीख को धरना प्रदर्शन किए जाने का भी ऐलान किया है और ये बहुत ही गलत हो रहा है निश्चित तौर पर। आंगनबाड़ी कर्मियों को रिटायरमेंट ऐसे समय पर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके रिटायरमेंट होने से एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी उनके परिवार के ऊपर और स्वयं उनके ऊपर भी। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की ही सोनभद्र जनपद से है। सोनभद्र से खबर क्या है, पोषाहार गड़बड़ी का मामला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त हुई है, कालाबाजारी में दोषी बताई जा रही है। आपको बता दें पोषाहार में वितरण में अनियमितता पाए जाने और कार्यों को सही ढंग से निर्वाहन न करने पर डीएम जो है एस राज लिंगम इन्होंने निर्देश दिए हैं। डीपीओ अजीत सिंह ने बुधवार को 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा को समाप्त कर दिया। अब इन पर आरोप क्या लगे थे, डीपीओ जो है अजीत इन्होंने बताया कि रावर्ट्सगंज परियोजना के बनौरा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुसुम को बर्खास्त किया गया है।
और इसके खिलाफ जो है 13 अगस्त को उनके केंद्र पर 200 पैकेट पोषाहार काला बाजारी करते हुए पकड़े गए थे। और इसके बाद पन्नूगंज थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और 4 सदस्यीय टीम जांच कर रही थी कि जांच में कुसुम दोषी पाई गई है। प्रथम दृष्टया उस सेक्टर की क्षेत्रीय सेविका की लापरवाही परिलक्षित हुई है। क्षेत्रीय मुख्य सेविका राधा देवी को भी नोटिस, मतलब ये देखिए आंगनबाड़ी कर्मियों को नौकरी से हटा दिया गया, मुख्य सेविका को नोटिस दिया गया। वाह वाकई में। नगर पंचायत ओबरा के वार्ड नंबर 7 की सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंदु शर्मा, 54 के वार्ड 4 की बप्ता देवी, पिपरी वार्ड नंबर 2 की शीला कुमारी की सेवा को समाप्त कर दिया गया। अब इस मामले में जिलाधिकारी का क्या कहना है वो आपको बता देते हैं। पोषाहार के दुरुपयोग में किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। डीपीओ को नियमित रूप से पोषाहार सत्यापन और विभागीय योजनाओं की जांच के लिए आदेशित किया गया है। मतलब यहाँ पर मुख्य सेविका की अगर बात की जाए, सुपरवाइजर सीडीपीओ या फिर किसी भी उच्च अधिकारी की बात की जाए तो कारण बताओ नोटिस जारी होता है और या तो बहुत अधिक तक होगा सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन आंगनबाड़ी की सेवा ही समाप्त कर दी जाती है। ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी अपने दम पर पोषाहार नहीं बेचती है, कहीं ना कहीं लंबी सेटिंग होती है और इसी की वजह से यह मामला निकलकर सामने आता है। अब आखिर में मुख्य सेवक का अगर दोषी है तो कारण बताओ नोटिस अकेले से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्या कहते हैं दो शब्द अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। कारण बताओ नोटिस मिलना चाहिए था या इनको भी सस्पेंड करना चाहिए था। और दूसरी बात, सरकारी कर्मचारियों को परमानेंट बर्खास्तगी का टर्मिनेट करने का इतना बड़ा प्रावधान अभी है नहीं है, तो बहुत बड़े रीजन होते हैं तब वो टर्मिनेट करते हैं। लेकिन दुख की बात यहाँ पर यह है, टर्मिनेट किए जाने की खबरें हम बहुत कम देखते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के निदेशालय में भ्रष्टाचार हुआ, मंत्री को जो निदेशक थे उनको हटा दिया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें आंगन जो वहाँ के डीपीओ थे इनको सस्पेंड किया गया। बस सस्पेंड होते हैं लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी की नौकरी ही खाली जाती है। बहुत ही दुख की बात है। क्या कहते हैं दो शब्द लिखिएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र पोषण थाली से नौनिहाल होंगे तंदुरुस्त बच्चे, गर्भवती और महिलाओं का ख्याल रखा जाएगा। बिहार के भागलपुर जनपद से ये खबर है। आपको बता दें लॉकडाउन और कोरोना की वजह से भले ही आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहा है लेकिन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 6 माह के नवजात पोषण और आहार पर विशेष ध्यान, यानी बच्चों का ध्यान दिया जा रहा है, महिलाओं का ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र बंद होने से कोई दिक्कत नहीं है, उनको घर घर जाकर पुष्टाहार दिया जा रहा है, यानी आंगनबाड़ी कर्मी कहीं ना कहीं लगी हुई है। आपको जानकारी दे दें दूध वाले जो पैकेट हैं ये भी दिए जा रहे हैं। ICDS के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रचना कुमारी ने सितंबर महीने को पोषक महीने के रूप में मनाए जाने की जानकारी दी है। सरकार के निर्देश के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित किया जाएगा, ये बात कही है इन्होंने। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि बच्चे, गर्भवती महिलाओं को हर दिन सुधा का पैकेट दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में अंडे भी बच्चों को दिए जाएंगे। यानी मध्य प्रदेश की अभी हम आपको खबर बताए थे, मध्य प्रदेश के साथ ही हम देख रहे हैं कि बिहार में भी अंडे का जिक्र हो रहा है और DPO खुद कह रही है कि अंडे भी बच्चों को दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं अंडे की बात यहाँ पर भी उल्लेख हो रही है। पौष्टिक आहार वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये कहा है DPO ने। और इसी के साथ ही सेहत पर विशेष ध्यान रखा जाए, वाटिका लगेगी जिसमें टमाटर, मूली, गाजर, सहजन, केला, अमरूद आदि के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे इम्यूनिटी बढ़ाकर पोषण को कम करना योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। और बिहार राज्य में अंडे की खबर मुझे भी नहीं पता था और आपको भी शायद ना पता हो, बिहार राज्य में भी अंडे की खबर देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जब अंडे की बात चली थी तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बनारस से अगली खबर हम बता रहे हैं, लॉकडाउन लॉक ना कर सका पुष्टाहार, वाराणसी में घर घर पहुंचा रही आंगनबाड़ी वर्कर्स। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी खबर है, सराहनीय काम है आंगनबाड़ी कर्मियों का और बहुत अच्छा काम करें। लॉकडाउन में कोरोना काल जैसी इतनी बड़ी विपदा में भी आंगनबाड़ी कर्मियों ने मानवता का धर्म नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं हम कहेंगे सबसे निचले वर्कर होने के बावजूद भी मानवता का धर्म नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं जताया, पैसा नहीं मिल रहा, मानदेय नहीं मिल रहा, इसके बावजूद भी अपने काम को लगातार कर रही हैं। अगर इनके काम से आप भी प्रभावित हैं तो लाइक करिएगा और नहीं प्रभावित हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन मैं तो भाई बहुत प्रभावित हूँ और अधिकारी भी सभी कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन मंत्री और अधिकारी को कहीं ना कहीं ये भी चाहिए कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय भी दें, इनको अतिरिक्त पेंशन भी दें, इनको स्वराज कर्मचारी का दर्जा भी दें, लेकिन इस मामले में अधिकारी और मंत्रियों से कोई बात ना की जाए, बस वो यही चाहते हैं। फिलहाल खबर पर लौटते हैं, बनारस से ये खबर है। आपको बता दें कोरोना काल में महिलाओं बच्चों की सेहत को ध्यान में रख रही हैं आंगनबाड़ी कर्मी और घर घर जाकर पुष्टाहार दे रही हैं। लॉकडाउन के दौरान भी यह काम जारी है। पुष्टाहार के प्रयोग से गर्भवती धात्री महिलाएं, किशोरी और बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर पर पोषाहार का वितरण कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्र पर भीड़ ना हो इस वजह से केंद्रों को बंद रखा गया और यह कार्यक्रम जो है घर घर जाकर आंगनबाड़ी कर्मी कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें COVID-19 जैसी बीमारी से जागरूक करने का भी काम आंगनबाड़ी कर्मियों के कंधे पर है, तो वो भी ये काम बखूबी कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें 3 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुलाई 2020 तक पुष्टाहार वितरित किया गया जिला, ये बड़ा आंकड़ा है। निश्चित तौर पर ICDS विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस जनपद में 6 माह से 3 वर्ष के लगभग 1.75 लाख बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के 81,000 से अधिक और 67,000
गर्भवती और धात्री महिलाएं। इस प्रकार जनपद में 3,24,000 लाभार्थियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुलाई 2020 में पुष्टाहार का वितरण किया गया। तो बड़ी अहम जानकारी जो हमने आपको दी है, समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी भूमिका पूरी तरीके से निर्वहन की है। अगली खबर हमें देखने को मिल रही है, दरअसल किचन गार्डन को सरकार बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। तो किचन गार्डन से ही जुड़ी खबर अगली हमें राजस्थान जनपद से, राजस्थान स्टेट से मिल रही है। दरअसल राजस्थान के जयपुर से हमें एक खबर मिल रही है। राजस्थान के जयपुर में टॉनिक जगह पड़ती है, वहाँ से ये खबर मिल रही है। जो भी राजस्थान के होंगे लोग वो जानते होंगे इस जिले को, और जानते हैं अगर आपके जिले की तो कमेंट में यस लिखिएगा। आपको बता दें बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में किचन गार्डन तैयार किए जाएंगे, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नर्सरी तैयार कर ली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवकी वैष्णव ने बताया कि सेक्टर फर्स्ट की आंगनबाड़ी 53 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गमले, बोतल, नारियल, टोकरी, बाल्टी आदि से नर्सरी तैयार कर फलों और सब्जियों के पौधे लगाए हैं, और LS सगुप्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे हैं। तो ये पोषण अभियान जो है, पोषण अभियान के साथ ही आपको बता दें नर्सरी अभियान चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है, पार्टिकुलर किसी स्टेट में नहीं चल रहा है, सभी राज्यों में ये खबर है और सभी राज्यों से ये खबर निकल कर आ रही है, प्रत्येक राज्यों में ये अभियान चल रहा है। आपको अगली खबर दे देते हैं, दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी और उसके बाद अभी तक परिजनों को मुआवजा नहीं मिला, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और आंगनबाड़ियों के यूनियन आगे आए हैं। खबर सहारनपुर से है, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की जिलाध्यक्ष पूनम शर्मा, नरेंद्र दत्त शर्मा जो है जिला संरक्षक द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है, और कोरोना से पीड़ित होकर मृत्यु हो जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रवेश धवन के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है, जो वास्तव में जायज है। और निश्चित तौर पर संगठन आगे आकर एक कह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और करना भी चाहिए सरकार को। निश्चित तौर पर इतना धरना प्रदर्शन करने की या फिर मांग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार को पता चल जाता है कि आंगनबाड़ी कर्मी की मौत हो गई है, क्योंकि विभिन्न अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है। इसके बावजूद भी सरकार चाहती है कि संगठन आगे आए या फिर पीड़ित परिवार जो है धरना प्रदर्शन करे, विवश हो। आखिरकार ये सब करना क्यों पड़ता है, सरकार को स्वतः ही इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था। आपको बता दें मुख्यमंत्री को भेजे गए आंगनबाड़ी प्रवेश भवन की मृत्यु से 24 घंटे पूर्व ICU कमरे में लगे CCTV कैमरे की फुटेज की जांच करने, उनके परिजनों के साथ जाती करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के साथ ही भारत एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित 50 लाख रुपए की सहायता राशि मृतका प्रवेश धवन के परिजनों को तत्काल दिलाए जाने की मांग की। आपको बता दें इसको लेकर संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, वाकई में सराहनीय काम है, और सरकार को इस सराहनीय काम में भूमिका निभानी चाहिए और जल्द से जल्द 50 लाख की धनराशि जारी करना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार में जो कमी हुई है उस कमी की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ना कुछ राहत देकर शांति उन्हें मिल सकती है। तो इसको लेकर संगठन आगे आया, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है, और यही मांग है समाजवादी पार्टी की। आपको बता दें सपा महानगर अध्यक्ष जो है मोहम्मद आजम शाह, इसी के साथ ही अन्य जो नेता हैं, इन्होंने भी आंगनबाड़ी कर्मी की जो मौत हुई उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हुआ है उस पर भी कार्रवाई किए जाने की मांग की। हमने भी खबर आपको दिखाई, जैसे सोशल मीडिया पर आंगनबाड़ी कर्मी जो है जमीन में बैठी हुई है, उसको बेड नहीं मिला, किस तरीके से लापरवाही देखी गई सोशल मीडिया पर, वीडियो वायरल होने के बाद उस महिला की मौत हो गई है। निश्चित तौर पर अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तत्काल महिला के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध कराए, ये मांग नवनी JMH चैनल भी करता है। अगली खबर आपको बताते हैं हम, फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई खबर आ रही है, जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दस्तावेज की जांच हो रही है। आपको बता दें जांच होगी, दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर है, आगरा के कासगंज से खबर देखने को मिल रही। दरअसल बाल विकास विभाग फर्जीवाड़ा मामले को लेकर कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, विभाग अब जिले भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दस्तावेज को जांचेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाल विकास विभाग के खंड स्तरीय अधिकारियों से सभी कार्यकर्ताओं का ब्यौरा तलब किया है और मूल दस्तावेज मांगे हैं। आपको जानकारी दे दें 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दस्तावेज जो है फर्जी पाए गए। हम आपसे लगातार कहते हैं कि आप दस्तावेज क्यों फर्जी लगाते हैं, आपको नौकरी चाहिए तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, क्यों आज नहीं तो कल दिक्कत आपको होगी जो आज होने लगी। और आपको बता दें डॉक्यूमेंट्स अगर फर्जी पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, और मुकदमा दर्ज होगा, ऑब्वियसली दर्ज होगा। अब देखिए मामला क्या है, आगे आपको बताते हैं। अब तक इन्हीं कागजातों के सहारे मानदेय ले रही थी, विभाग अब ये खंगाल रहा है कि किस कार्यकर्ता ने कब से मानदेय लिया, इसका मतलब क्या हुआ, आगे बताते हैं। इधर फर्जीवाड़ा सामने आने पर विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है, जिले भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षिक और मूल दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने विकास खंडवार कार्यकर्ताओं का ब्यौरा तलब कर लिया है, और आपको बता दें जिले भर की 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति की पत्रावली तैयार है, उनके मानदेय पर रोक लगी, ऐसे संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र पर अब कार्यकर्ता नहीं पहुंच रही, बहन होने वालों को पुष्टाहार या फिर अन्य योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, बड़ा सवाल है। वहीं इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि जिले भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दस्तावेज की जांच कराई जाएगी, सभी CDPO को से विकास खंडवार ब्यौरा मांगा गया है, जिसके भी दस्तावेज फर्जी होंगे उसके खिलाफ विभाग की कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं दस्तावेज फर्जी ना रखिएगा, लगातार हम अपील आपसे कर रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में एक बड़ी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है।
आपको बता दें मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अगली खबर हमें देखने को मिल रही, राजस्थान के जयपुर दौसा से एक खबर देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों ने नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया है। महिला कर्मियों ने बताया कि आंगनबाड़ी पाठशाला पर कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगियों ग्राम साथ इन महिलाएं कार्यकर्ता जिनकी संख्या जो है प्रदेश भर में 2 लाख के करीब, इन महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। महंगाई के युग में मानदेय दिया जा रहा है जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको बता दें 15 से 20 हज़ार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की मांग की गई है और कोरोना संक्रमण में काम करने वाली महिलाओं को 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने की भी मांग उठी है। और इसी के साथ ही जो वैकेंसियां खाली उन पर भी प्रक्रिया जो अपनाई जाए, उनको भरा जाए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके आंगनबाड़ी कर्मियों की और उनमें आने वाले लाभार्थियों को। अब एक खबर और बहुत बड़ी अहम आती, तभी तो हम आपसे लगातार कहते हैं पूरी खबर देखिए, हो सकता है कि वीडियो बड़ी हो जाती है, न्यूज़ बड़ी हो जाती है, लेकिन बड़ी अहम जानकारियाँ आपको हम देते हैं, दिन भर की खबर देते हैं एक ही वीडियो में। बार बार आपको वीडियो नहीं मिलती, पर डे आपको एक ही न्यूज़ मिलती है, दिन भर की खबरें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती हैं। प्यार भरा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा कमेंट में, अगर आपको सुझाव है तो जरूर लिखिएगा और लाइक तो कर ही देंगे आप लोग। चलिए अब अहम खबर बताते हैं आपको, आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से जुड़ी हुई लगातार खबरें हमें मिल रही है, वो खबर आपको बता दें। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये खबर मिल रही है। रायपुर से क्या खबर है पहले तो आपको बताते हैं, प्रदेश की आंगनबाड़ी 7 सितंबर से खुलने का आदेश, कोरोना संकट काल में बच्चों का .. आखिरकार मतलब कोरोना काल चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र कैसे खोले जाएंगे? पहले तो ये खबर जानते हैं कैसा आदेश है और क्यों जारी किया गया है। प्रदेश के जब सारे शिक्षा संस्थान बंद हैं और बच्चों और बूढ़ों पर कोरोना का खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है, तो उन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का आदेश जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ से एक खबर बता रहे हैं, रायपुर से एक खबर, बाकी में कमाल हो गया है। ऐसी खबरें बहुत कम देखने को मिल रही जहां सरकार करीब बड़े बड़े बच्चों को भी अलाउ नहीं कर रही है, कोरोना के समय नहीं निकलिएगा। वहीं एक आदेश हमें देखने को मिल रहा है कि प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की बात हो रही है और ये आदेश जारी कर दिया है, और राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना काल में बच्चों में बढ़ते कुपोषण के कारण यह कदम उठाया गया है। अब कुपोषण बढ़ रहा था तो आंगनबाड़ी कर्मी घर घर जाकर अभियान चला तो रही थी, तो इस कारण से यह कदम क्यों उठाया गया? जब पोष्टाहार बच्चों तक पहुंच रहा था तो क्या आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं रहने चाहिए थे? अगर यहाँ पर बच्चे जाकर कुपोषण का दूर हो पाया या फिर नहीं हो पाया वो तो एक अलग बात है, कहीं उन्हें कोरोना हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? और कितने छोटे बच्चे आते हैं, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि WHO और यूनिसेफ ने कोरोना के इस संकट काल में बच्चों में कुपोषण बढ़ने की संभावना जताई है और छत्तीसगढ़ मुश्किल से अभी कुपोषण का सामना कर रहा है और ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाली गर्म भोजन के बिना कुपोषण से लड़ना मुश्किल हो रहा है, ये कहना है राज्य सरकार का। ऐसे में उन्हें गर्म भोजन प्रदान कर उन्हें कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कदम उठाया गया है, इस सरकार का कहना है। हालांकि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र खोलने और बच्चों को उपस्थित होने से संबंधित नियमों को काफ़ी सख्त रखा है ताकि बच्चे कुपोषण दूर करने के चक्कर में कोरोना से यानी पीड़ित ना हो जाएँ, कुपोषण दूर करने के चक्कर नियम रखे गए हैं। खैर, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला क्यों जा रहा है? मिड डे मील खिलाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जा रहा है, दरअसल पोषाहार तो घर तक पहुँच ही रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई कुपोषण भी हमारे लिए बहुत ही अहम है, इसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि कुछ नियम हैं, उन नियम को पालन करना होगा आंगनबाड़ी कर्मियों को और उसके बाद उनके क्षेत्र में बच्चे आएंगे। आपको बता दें कुछ रणनीतियाँ हमें जो देखने को मिल रही हैं पत्र में, सभी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं या फिर जिला प्रशासन द्वारा बंद रखने के निर्णय लिया गया है, उन क्षेत्रों में यह केंद्र नहीं चलेंगे, संचालित नहीं होंगे। 3 सितंबर से 6 सितंबर के मध्य केंद्र प्रारंभ करने के पूर्व भवन का सैनिटाइजेशन किया जाएगा और प्रत्येक हितग्राही का भवन में प्रवेश के पूर्व साबुन से सैनिटाइज कराया जाएगा और स्क्रीनिंग भी होगी। तो स्क्रीनिंग कौन करेगी, सैनिटाइजेशन कौन करेगा, ये सब नियम आपने लागू कर दिए हैं, व्यवस्थाएं कैसे होंगी ये तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ही जाने, लेकिन हमारा क्या, हमारा तो काम खबर देना होता है, आपको सच्चाइयाँ बताना होता है, वो लगातार हम आपको बताते रहते हैं। इसी के साथ ही ऐसा नहीं है कि नियम खत्म होगा, अभी बहुत नियम है। स्क्रीनिंग करते समय प्रत्येक हितग्राही का बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण का भी आकलन किया जाएगा, सर्दी खांसी जुकाम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, भोजन पकाने के बर्तनों को उपयुक्त क्लीनिंग पाउडर एवं गर्म पानी से साफ कराया जाएगा, हितग्राहियों को अलग अलग समूह में बैठाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उन्हें भोजन दिया जाएगा, एक समय 15 व्यक्तियों से अधिक लोग भवन में नहीं होंगे। गर्म भोजन के लिए पात्र हितग्राही यथा 3 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं सुपोषण अभियान के हितग्राही को ही आने की अनुमति होगी। आंगनबाड़ी केंद्र प्रवेश करने वाले सभी हितग्राहियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और भोजन करते समय भाई मास्क हटा ले, नियम है भैया, भोजन करते समय तो वैसे ही मास्क हटाना पड़ेगा।
साथ ही प्रत्येक हितग्राही के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मास्क पहनने के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश। भैया 3 से 6 साल के इतने छोटे बच्चे तो कैसे मास्क पहनेंगे, कैसे नियम का पालन करेंगे, बड़े बड़े तो करते नहीं है, छोटे बच्चे कैसे करेंगे। और चिन्हांकित क्षेत्रों में टिफिन सुविधा पर भी विचार किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभ करने के पूर्व सभी सहायक पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खैर ये तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ही जाने वो किस तरीके से केंद्र चलाएगी। हमारा काम तो खबर देना था, वो हमने आपको खबर दे दी। और ज़्यादा खबरों के लिए दिन भर से जुड़ी बड़ी खबरें हम आपको देते रहते हैं। खबरों से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए और ज़्यादा अपडेट के लिए ताकि आपको हर एक खबर मिलती है सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए। देश के किसी भी राज्य से आंगनबाड़ी बहनों, पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों खबरें इसी चैनल पर मिलेंगी, रोजाना सच्ची और सटीक खबरें। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। सो गुड बाय, नमस्कार।